अखां दे सामने जेकर परिवार सड़के राख हो जाए तां किसे दियां वी ताहां निकल आउण। ये तस्वीरां वी इस हादसे दियां ने जिथे इस कार दे विच सवार लाड़े समेत चार लोकां दी जिंदा सड़न दे नाल मौत हो गई। एक कार जो हादसे दा शिकार हुई इस विच दो परिवारां दियां खुशियां उजड़ गईयां ने। दरअसल इस कार दे विच लाड़ा सवार सी जो अपनी लाड़ी नूं ब्याहुण जा रहा सी ते नाल सवार सन बराती। जदों इह घरों निकलिया तां राह दे विच ही सड़क ते जांदिया होया पिछों इक ट्रक ने इस कार नूं जोरदार टक्कर मार दित्ती अते फिर इह ट्रक उस कार दे उत्ते चढ़ गया। टक्कर इन्नी जबरदस्त हुई कि इस तों बाद धमाका होया ते ट्रक नूं ते नाल ही इस कार नूं वी अग लग गई। अग दियां लपटां दे विच लाड़ा अते उसदे परिवारिक मैंबर चीकां मारदे रहे, बचाउण दी गुहार लगांदे रहे, पर जदों तक फायर ब्रिगेड पहुंची तां लाड़े समेत चार लोगों की मौत हो चुकी सी, जबकि दो लोगों को बाहर कढ़िया गया गड्डी का शीशा तोड़ के ते फिर उन्होंने हस्पताल दे विच भर्ती करवाया गया। दस्सिया जा रहा है कि लाड़ा आकाश अपनी पूरी बरात दे नाल अपनी लाड़ी नूं लैन जा रहा सी, जिस दौरान पिछों इस ट्रक ने टक्कर मारी अते इह ट्रक कार दे उत्ते ही चढ़ गया। फिर इस तों बाद दोनों ही गड्डियां दे विच अग लग गई, ट्रक भी सड़न लगा ते कार दे विचों भी अग दियां लपटां निकलन लग पईआं, जिस विच लाड़ा उसदा भरा उसका पति जातिक ड्राइवर सड़ गए ते उन्हां दी मौत हो गई, जबकि दो लोग ने जिन्हां नूं हस्पताल दे विच भर्ती करवाया गया ते ओह जेरे इलाज ने। तस्वीरां झांसी दे बाड़ गांव दियां ने जिथे झांसी नैशनल हाईवे ते इह दर्दनाक हादसा वापरिया। एक पासे तां लाड़ी अपनी बरात उड़ीक रही सी तां राह दे विच जो लाड़ा बड़े ही उत्साह दे नाल खुशी दे नाल परिवार सने लाड़ी नूं लैण जा रहा सी, ब्याहुण जा रहा सी, तां राह दे विच ही इह दर्दनाक हादसा वापरिया ते लाड़े समेत चार लोकां दी मौत हो गई। हुण दोनों ही परिवारां दे विच मातम पसरिया होया, दो परिवारां दीआं खुशियां उजड़ गईआं ने। जिथे खुशियां दे विआह दे जशन मनाए जा रहे सन तां उत्थे हुण मातम पसरिया होया, बैंड वाजिआं दी थां ताहां मार मार के परिवार रो रहे ने। हादसे दौरान सड़क ते वी राहगीरां दे विच हफड़ा दफड़ी मच गई, लोगों के वालों कोशिश तो की गई पर जदों तक फायर ब्रिगेड की पहुंचती है तो लाड़े समेत चार लोगों की जिंदा सड़न के नाल मौत हो चुकी। उधर पुलिस के वालों भी मौके पर पहुंच के छानबीन की गई है तो अगे की कार्रवाई की जा रही है। जी लगभग 11:55 या 12 के करीब हुआ है। कैसे हादसा हुआ, उसकी जानकारी मिली थी? मैं मेरी गाड़ी आ गई थी और जो मेरा साला है वो आकाश नाम है उनका, और वो पीछे थे, उसमें 6 लोग सवार थे और ट्रक पीछे से आ रहा था तो उसमें टक्कर भी मारी उसने ट्रक वाले ने, और ऊपर भी चढ़ गया, इतना प्रेशर से आया पीछे से तो दब गए सब लोग। हम लोगों को आवाज़ आई गाड़ी में, हमारी गाड़ी में आवाज़ आई कि पीछे कुछ हो गया, तो हम लोगों ने गाड़ी रोकी, पीछे देखा हमारी गाड़ी एक्सीडेंट में दबी हुई थी ट्रक के नीचे, तो हम लोग दौड़ कर गए तो दो लोगों को हमने बचाया, जिसमें हमारा आकाश के चाचा के लड़का रवि नाम है उनका, और दूसरे हमारे फूफा के लड़का हैं, उनको नाम कह दूँ रमेश नाम है उनका, ठीक है। इन दोनों को थोड़ी चोट आई, पीठ में आई है, टांगे वगैरह लगे हैं, ये बच गए, और पाँव में फ्रैक्चर हो गया, और फिर उसी समय पुलिस को बुलाया, फायर ब्रिगेड आई, फिर उसके बाद आग बुझाई काबू किया, जब तक सब लोग चार लोग जल गए थे, उसमें जलने वाले लोग आकाश जिनकी शादी होनी थी, उनका बड़ा भाई आशीष और उनका आशीष का लड़का मयंक, सब अहरवार समाज से हैं, वो चौथा ड्राइवर थे, उनका नाम जयकरण नाम है। क्या आप लोग बारात तक पहुंच पाए? नहीं, रास्ते में पारीछा पुल पड़ता है जो, उसी पे हो गया ये हादसा। हाँ, हमारी बारात थी, हम लोग बुलाटी करके से आए, छपरा गांव आ रहे थे, ये बीच में पारीछा के हाईवे पे ये हादसा हो गया हमारा। कैसे हादसा हुआ जानकारी मिली? तो हमारी गाड़ी आगे आ रही थी और पीछे से ट्रक वाले ने जट मार दी, उसी पे चढ़ा दी गया। किसकी बारात लेके आ रहे थे आप? हम अपने चाचा के लड़के की बारात लेके आ रहे थे। सड़क हादसा चल रहा है? हाँ, सड़क हादसा।
पीछे से ट्रक वाले ने सीधी गाड़ी पे चढ़ा दी, टक्कर मार दी थी। ब्लास्ट भी हुआ? हाँ, ब्लास्ट भी हुआ। कितने लोग थे कार में? कार में 6 लोग थे, जिसमें से 2 हम लोगों ने निकाल लिए, हमारे भाई दामाद ने 2 निकाल लिए और 4 लोग उसी में रह गए, उसी में ऑन द स्पॉट खत्म हो गए। तो क्या कोई शराब पी के जो हादसा हुआ, कोई गाड़ी तेज चला रहा, ट्रक वाला क्या लगा आपको? ट्रक वाला शराब पी के चला ही रहा होगा, शराब ही पी के चला रहा होगा, सब तो कोई देखा नहीं। अब जो लोग उसमें थे वो नहीं देखा है। थाना क्षेत्र एरज के बिलाटी गांव से बारात बड़ा गांव थाना क्षेत्र के छपरा गांव में आ रही थी, जिसमें यान गाड़ी पे कुल 6 लोग इसमें आ रहे थे बारात में, जिसमें दूल्हा दूल्हे का भाई और उसके रिश्तेदार थे। ये बड़ा गाँव थाना क्षेत्र के परीक्षा ओवर ब्रिज पर DCM और 4 व्हीलर के बीच में एक्सीडेंट हो गया, जिसमें कुल 4 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें दूल्हा भी शामिल है। 2 लोग घायल हैं, जिसको हम लोगों ने हॉस्पिटलाइज करा दिया है। हाँ बिल्कुल, जैसा आप मौके पर देख रहे हैं कि यान जो गाड़ी है वो पूरी तरह से जल चुकी है, तथा जो DCM है जिससे एक्सीडेंट हुआ उसमें भी आग लगी, वो भी पूरी तरह से। हाँ बिल्कुल, आप देखें, अभी मौके से हम लोगों ने डेड बॉडी हटाई है यहाँ पे, तो उसमें 4 लोग जो जिनका एक्सीडेंट हुआ था वो 4 लोग जिंदा जल गए हैं, तथा बाकी जो 2 लोग हैं उनको हॉस्पिटलाइज कराया गया, उनका इलाज।